हेलो, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको कहा था कि ये पोएम आपको लिखनी है। फर्स्ट डे एट स्कूल ये पोएम आपको लिखनी थी और आपने लिख दी होगी। उसके बाद ये हार्ड वर्ड्स कुछ लिखे थे मैंने, वो आपने लिखते होंगे एक बार इधर और दूसरी बार इधर। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर इन 1 सेंटेंस। राइट आंसर इन 1 सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस में आंसर लिखने हैं, सेंटेंस पूरा होना चाहिए एक, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर। व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर। जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में करते थे कि पहला लेटर कैसा करेंगे, कैपिटल। तो आप, मैंने इसके नीचे लाइन की है, आप ये कैसा लिखोगे, कैपिटल, ओके, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, तो हमने जो फर्स्ट डे एट स्कूल पोएम में ये देखा था कि बच्चा सोचते सोचते स्कूल जाता है, और उसमें उसने एक बात ये सोची थी कि वो जब स्कूल जाएगा तो उसकी टीचर कैसी होगी। तो ये क्वेश्चन भी वही है कि बच्चा अपने टीचर के बारे में क्या सोचता था। तो उसका आंसर है, आपको पता है वो पोएम में बच्चा अपने टीचर के बारे में क्या सोचता था। वो बच्चा अपने टीचर के बारे में सोचता था कि क्या मेरी टीचर मेरी मम्मी और ग्रैंड के जैसी होगी, है ना। क्या मेरी टीचर मेरी मम्मी और ग्रैंड के जैसी होगी। तो इंग्लिश में लिखेंगे पहला लेटर कैपिटल। वेदर हिज टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, क्या लिखेंगे, वेदर हिज टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। अब मैंने इधर लाइन की है, वो वाली लाइन आप करिएगा मत। मैंने ये लाइन इसलिए की है क्योंकि आप वो कैपिटल में लिखोगे, जैसे हम फर्स्ट में करते थे ना, याद है ना। जिस लेटर के नीचे मैं लाइन करूं वो लेटर आपको कैसा लिखना होगा, कैपिटल। तो जब भी आप लिखो तो वो बात याद रखना। अब सेकंड क्वेश्चन, पहला लेटर कैसा करेंगे, कैपिटल। तो डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल। डू यू थिंक, ये जो है वो क्या है, क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है। इसमें पूछते हैं क्या आप ऐसा सोचते हो कि द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल। क्या वो जो बच्चा था वो अपनी पप्पी को, कुत्ते के बच्चे यानी कि पप्पी को स्कूल लेकर जाना चाहता था। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या वो बच्चा स्कूल में अपने साथ अपने पप्पी को लेके जा सकता है, ऐसा पूछा है। तो यस, द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल। हाँ, यस मीन्स हाँ। फिर आंसर में ये हम इधर से लेके पूरा इधर तक लिख देंगे ऐसे। पहले हम क्या लिखेंगे, यस, फिर डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो कि पोएम में जो बच्चा था वो अपने साथ अपने पप्पी को लेके जाना चाहता था, तो हमने लिख दिया हाँ। फिर इधर से लेके द, द चाइल्ड चाइल्ड वुड वुड लाइक लाइक टू टू कैरी कैरी हिस हिस पप्पी पप्पी टू टू स्कूल
क्या लिख दिया, सिर्फ यस, और पीछे इधर से लेके इधर तक का पूरा सारा आंसर इधर आ गया। ओके, अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन टू, राइट आंसर इन वन वर्ड। आपको वन वर्ड में आंसर देना है, जैसा हम फर्स्ट में करते थे, है ना। अब हम वर्ड में आंसर देंगे। फर्स्ट है, हाउ डिड यू फील व्हेन योर फर्स्ट डे एट स्कूल। इसमें हम पहला लेटर कैसा करेंगे, कैपिटल। तो अब बताओ, हाउ डिड यू फील व्हेन योर फर्स्ट डे एट स्कूल। जब आपके स्कूल का पहला दिन था तब आप कैसा फील करते थे, हैप्पी, सैड, कैसा। हैप्पी, अगर आप हैप्पी फील करते थे तो आपको हैप्पी लिखना है, और अगर आप सैड फील करते थे तो आपको सैड लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पहला लेटर कैसा करेंगे, इधर कैपिटल। जब भी हम आंसर लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल, और जब भी क्वेश्चन लिखेंगे उसका पहला लेटर कैसा करेंगे हम, कैपिटल। सेकंड, डू यू हैव अ पेट एट होम। क्या आपने घर पे कोई एनिमल पाला है घर पे। डू यू हैव अ पेट एट होम। क्या आपके घर पे कोई पेट एनिमल है। अगर है तो आप इधर क्या लिखोगे, यस, और अगर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, नो। है आपके घर पे तो यस, और अगर नहीं है तो नो। पहला लेटर हम कैसा करेंगे, कैपिटल। इधर इधर भी पहला लेटर कैपिटल। चलो, ये क्वेश्चन में इधर पहला लेटर कैपिटल, आंसर में इधर पहला लेटर कैपिटल। इधर क्वेश्चन में पहला लेटर कैपिटल, इधर आंसर में पहला लेटर कैपिटल, फिर इधर ये पहला लेटर कैपिटल, और ये भी पहला लेटर इधर कैपिटल, ये भी पहला लेटर कैपिटल एबीसीडी का, और ये भी पहला लेटर कैपिटल। कैपिटल लेटर मतलब जो आप कर्सिव कैपिटल लिखते हो ना, वो पहला लेटर कर्सिव कैपिटल में लिखना है। समझ में आया। अच्छा, ओके, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और एक एक्सरसाइज बाकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।